आय हाय, वो भी कैसा करके दिया है यार। ऐसा क्या किया? देख प्लीज मत करो यार, फिर मैं खा नहीं पाऊंगी उसको। अरे तू एक काम कर, इसको फाड़ ले थैली को, उसको धो ले। तो जाओ ना भाई, आजा फिर फॉलो कर, फॉलो मी। मैं इतना तुम्हें तो फॉलो नहीं कर रही हूँ, यहाँ बंटवारे की बात आ गई, मैं तुम्हें तो फॉलो कर रही हूँ। क्यों तुझे एक चाहिए? क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? क्या अचार डालोगे? तुम जाओ, एक काम करो, तुम अपनी जिंदगी जीनी है ना, तुम अकेले जियो। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन वो चैनल कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। और बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और यहाँ पे ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही है, उसके लिए आप प्लीज़ 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 माफ़ कीजिएगा। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और काम पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं भी सोच रही हूँ, और पीछे कपड़े जो हैंगर में लगे हुए हैं वो कपड़े हैं जो कि मैंने सिर्फ 2-3 मिनट या आधे घंटे पहने, और वो बिल्कुल क्लीन कपड़े हैं, तो फिर मैं उसको कबर्ड में नहीं रखती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि आप आधे घंटे भी पहनो तो यार फिर भी पहन लिया ना आपने, तो उसको कबर्ड में मत रखो, वरना जो जितने साफ कपड़े हैं ना सब में मिक्स हो जाएंगे। तो मैं ऐसी हैंगर में लगा देती हूँ, एक दो बार और पहन लूंगी, फिर मैं उसको कर दूंगी वॉश। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ आराम से, और घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और ऋषिव, क्योंकि ऋषिव छोटा है तो वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। तो ऋषिव अभी खेल रहा है, अभी सोकर उठा है, जतिन गए हैं किसी काम से, जीविका हमेशा की तरह स्कूल गई है, उसके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन पढ़ाई भी जोर शोर से चल रही है, तो अभी कोई एब्सेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और वैसे भी जीविका के जो अटेंडेंस आए हैं, अब तो ये वाला क्लास एंड होने वाला है, तो 94% अटेंडेंस है, तो वो एनफ है यार, इतना ठीक है। और एक दो बार मेरी वजह से नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, एक बार जीविका खुद की वजह से नहीं गई थी, दांत में दर्द हो रहा था। तो छोड़ो वो सब बातें, तो छोड़ो, मैंने अभी पोहा बनाया था, पोहा खा लिया है, पेट भरा हुआ है, अभी मैं पालक पनीर बनाऊंगी। पालक पनीर की रेसिपी आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, तो वो मैं आप लोग से शेयर नहीं करूंगी, लेकिन आगे क्या 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 करेंगे वो आप लोग को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको मिलाती हूँ ऋषिव से, क्योंकि ऋषिव से आप लोग मिलना चाहते हैं ना, कमेंट में बताइए कि आप लोग ऋषिव से मिलकर आप लोग को कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो बोलो अभी के भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिला देती हूँ, ठीक है? चलिए ऋषिव से मिलते हैं। अरे ये क्या किया है आपने? ये देखो ये देखो ये देखो कपड़े, इसने नहीं किया, सॉरी गाइस मैंने ही किया था, झूठ बोल रही हूँ मैं अभी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। आप लोग ए मेरे बाल तो ऋषिव सबको हेलो करो, हेलो करो ऋषिव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, कैसे हैं आप लोग? ये बोलना सीख लो बेटा। और ऋषिव कैसे हो बेटा? सबको बोलो जल्दी 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 इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए अंकल आंटी प्लीज, और हमारे चैनल को जरा शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो पाए, है ना? चलो आप लोग ऋषिव से मिल चुके हो, एक बार स्माइल कर दो, एक बार स्माइल कर दो ऋषिव, स्माइल कर दो, चलिए ऋषिव से मिलवा दी हूँ। और अभी मुझे फिर से चाय पीने का मन कर रहा है, जितिन घर पे नहीं है इसलिए, ओहो उसको थोड़ी सी खांसी हो रही है, जितिन नहीं है घर पे तो मैं फिर से चाय पी लूँ, वरना बहुत डांट पड़ती है चाय पीने पे, क्योंकि चाय बिल्कुल जितिन को पसंद नहीं है, वो पीते नहीं है, और वो मुझे भी मना करते हैं पीने से, लेकिन मैं फिर भी पीती हूँ। चलो चाय बनाती हूँ। मैंने सोचा कि मैं निश्चिंत से चाय पी लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा बेबी अभी उई 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 कर रहा है। ऋषिव मम्मा, वो ना नीचे बहुत अच्छे से खेलता है, और इसलिए मैं अब थोड़ा ज़्यादा नीचे रखती हूँ, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा टर्न होना शुरू कर दिया है, तो मैं उसको ज़्यादा ज़्यादा नीचे रखती हूँ और वहीं पे बैठी रहती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं चाय यहाँ पे इसलिए लेकर आई, एक गर्म चाय है, उसके पास नहीं बैठती हूँ, डर लगता है कभी बाय मिस्टेक पता नहीं चलता, तो मैं बस ये 2 घूंट चाय, चाय तो देखो कितनी है, कितनी शरीफ लड़की हूँ, थोड़ी सी चाय पीती हूँ, उसके लिए मुझे कितना सुनना पड़ता है। तो ये चाय पी लेती हूँ और फिर मैं ऋषिव को देखती हूँ, क्योंकि ऋषिव का टाइम हो चुका है कि उसकी मैं टेक केयर करूँ, उसका ध्यान रखूँ, और उसके लिए मैं क्या क्या करना है सब कुछ करूँ। ऋषिव, अब ऋषिव देखो इतना अपने गर्दन को संभालना शुरू कर दिया है, और अभी मैं उसे टमी टाइम दे रही हूँ, उसको अभी टॉयज पकड़ना तो नहीं आता, बट थोड़ा थोड़ा वो देखता है ना तो खुश होता है। ऋषिव ऋषिव मम्मा मम्मा ओ हाँ जी आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ बेटे। और सॉरी गाइस फैन की आवाज आ रही होगी, लेकिन गर्मी है तो एसी नहीं चलाती, क्योंकि एसी में इसको ज्यादा ठंड लगेगा, और फैन जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। ऋषिव ऋषिव
ऋषि ओ मे बच्चा ओ ओ मे बेबी। आज दिल की बात बताऊं तो मैं फिर से मदर बनकर बहुत खुश हूं और इस जर्नी को बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ। जैसे मैं शांत रहती थी, बहुत उदास रहती थी कभी कभी, उसका टाइम नहीं मिलता। मैं फुल एनर्जी में रहती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे बच्चे। तो बड़ा मज़ा आता है इनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना। और जितिन अभी तक नहीं आया, जितिन का कर रही हूँ वेट। थोड़ी सीटी की आवाज़ आ रही होगी, वो मैंने बोला ना पालक पनीर बनाना है तो वो सब बॉइल कर रही हूँ। गैस तो बंद कर दिया है लेकिन वो हल्की हल्की सीटी की आवाज़ आती रहती है। तो अभी मैं बनाऊँगी पालक पनीर। और तो आए क्यों नहीं जितिन, पता नहीं कहाँ रह गए, थोड़ी देर के लिए गए थे। कहाँ थे इतने देर से? अरे मैं जब तुम्हें पता तो है सामान वामान लेने गया, तुमने बोला था ये पनीर वनीर चाहिए। नहीं नहीं तो इतने पैसे गिन रहे हो, दे ही दो मुझे। पैसे ले लो, पैसों की कौन सी बड़ी बात है, दे दो। अरे रहन दो, तुम क्या करोगे, रहन दो तुम क्या करोगी, तुम अपना काम देखो ना यार भाई अपना। तुम पैसे क्या ज्यादा बोलो मत, मैं बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? अब मुझे तो बंटवारा करना है, चाहे बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। क्या बंटवारा? अरे यार ये क्या बात होती है, तो कर लो फिर बंटवारा यार, देख लेते क्या प्रॉब्लम है। मैं भी रेडी हूँ बंटवारे के लिए। रेडी? जब बोलूंगी ना तो तुम्हारे को चक्कर आ जाएंगे, बता रही हूँ। चक्कर नहीं आते भाई, नहीं ये रोज का तमाशा है, मतलब मैं मुंह ना बनाओ मेरे सामने प्लीज। डरती रह, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख ये देख। ये क्या है? अरे देख तू देख, अच्छा असली चीज है। क्या है ये? देख है ना पिलपिली सी। अरे क्या है ये? अरे ये नारियल पानी जो मैंने पिया उसकी मलाई है। वाह 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 वाह, नारियल पानी तुमने पिया और मलाई मेरे लिए लेकर आए हो? तो देखो नारियल पानी पसंद है ना, इसलिए मेरे तो अंदर की। किसने बोला, बातें ना बनाओ, तेरे को मलाई खाना पसंद है। आय हाय, वो भी कैसा करके दिया है यार। ऐसा क्या किया? देख प्लीज मत करो यार, फिर मैं खा नहीं पाऊंगी उसको। अरे तू एक काम कर, इसको फाड़ ले थैली को, उसको धो ले पानी में, और ये थैली को एकदम इसको डिस्पोजल। ठीक है बेटा, मैं भी जाऊंगी ना कहीं, तो मैं तुम्हारे लिए ना मलाई लाऊंगी, पानी मैं पी जाऊंगी। चलेगा चलेगा, चली गई चली गई। तो ले गया कम से कम, मैं कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं लाती मैं, फिर भी तेरे लिए लाता हूँ। और बात कर रही है बंटवारे की, अब बंटवारा तो होगा, बंटवारा आज के आज होगा। आज तू मेरी, आज तू मेरी नहीं, मैं सॉरी, ये नारियल पानी वाली मलाई खा ले, उसके बाद तो बंटवारे की बात। हाँ आज ही होगा बंटवारा, आज ही होगा। बहुत हो गया अब तुम्हारे साथ, हो गया तेरा। हाँ जाओ जाओ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैमरा लेके पीछे पीछे घूमती। हाँ तो जाओ ना भाई, आजा फिर, फॉलो कर, फॉलो मी। मैं इतना तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, यहाँ बंटवारे की बात आ गई, मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। दोपहर में बात हुई थी यार, तेरे को बोल तो दिया कि हाँ ठीक है, तेरे को जैसा ठीक लगता है वो कर ले फिर तू। हाँ तो एक बच्चे को रखना है, मैं एक बच्चे को रख लेता हूँ। मेरे पास एक काम करो, ऋषिप को छोड़ दो और इसको तुम अपने पास रखो, मैं उसकी जिम्मेदारी ले लूंगी ना, तुम इसके साथ रहो, क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ दोनों को मेरे पास छोड़ दो, मुझे दोनों नहीं, एक बच्चा मुझे चाहिए, एक तुम्हारे पास रहेगा। क्यों तुझे एक चाहिए, क्या करोगी तुम, क्या करोगी तुम, क्या अचार डालोगे? तुम जाओ, एक काम करो, तुम अपनी जिंदगी जीनी है ना, तुम अकेले जियो। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन वो मेरे पास रहेगा और ये तुम अपने पास रख लो, क्योंकि ये तुम्हारे शक्ल से मिलती है, ये तुम्हारे पास रह ले, वो मेरी शक्ल से मिलता है, वो मेरे पास रह ले, फैसला हो गया। शक्ल से वाली क्या बात हो गई इसमें, वो बिल्कुल डिट्टो तुम्हारे से, बेटा तो वो भी मेरा ही है। तो बेटी तो ये मेरी भी है, लेकिन मैं छोड़ रही हूँ ना यार तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ ना इसकी। ठीक है हाँ, तो आज से ये तुम्हारी, ये मेरी, और वो भी, वो तुम्हारा, हाँ वो मेरा। ठीक है ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं क्या बात हो रही है, बंटवारा हो चुका है हम दोनों के बीच में। देखिए मैं ऑफिशियली बता रही हूँ आप सभी को YouTube चैनल पर कि ये बंटवारा हो चुका है, कि अब जीविका के सारे काम ये करेंगे, होमवर्क कराना, सुबह उठ के स्कूल छोड़ना, सारा काम, और ऋषभ का मैं करूंगी, ये बंटवारा हो चुका है हम दोनों के बीच में। बोली नहीं, खाना बनाना, खाना भी बनाना, देखो जीविका ने खुद से बोल दिया है, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में बंटवारा हो चुका है, ये बच्चा अब ये करेंगे, संभालेगा वो मैं। सुबह 6 बजे 7 बजे जिसके लिए उठना है उसमें, उसकी जिम्मेदारी मेरे से पड़ा दी, ठीक है। तो क्या हो गया, मैं कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है करो। तुम पापा से गर्ल हो ना बेटे, तुम पापा से शादी की ना, पापा स्कूल छोड़े? नहीं नहीं मैं दोनों की गर्ल हूँ, ये देखो ये चंट चंट कर ले। तो हमारे बीच ये बंटवारा होना था कि ये इसको देखेगा और मैं उसको, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ये आप जाओगे इसको छोड़ने, ठीक है ओके डन। तो आप लोग कुछ और मत समझिएगा, ऐसा तो भगवान की दया से कभी हो ही नहीं सकता कि हम अलग हो सकते कभी भी नहीं। और याद रखना ये डील है, सुबह उठना है 6 बजे, डील डन।
डन ना बता दूंगी कि सुबह उठे देखेंगे। चलिए तो इस ब्लॉग को आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को क्या देखना है बताया तो करो, फिर तो हम उस वैसा ब्लॉग बनाएंगे। चलो और एक चीज, कमेंट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर नीचे है उसको दबा देना, ऐसा कोई काम ना करो जिससे हमारे देश को, हमारे परिवार को और बच्चों को जैसे मेरे जैसे किसी का कोई भी नुकसान हो, ऐसा कोई काम मत करना। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ स्टे हेल्दी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना मत भूलना। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने नए हमारे नए सब्सक्राइबर्स को जरूर बोलना। ओके बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।